भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। भोजपुरी सिनेमा के बादशाह पवन सिंह और खेसारी लाल यादव से भी आगे समर सिंह निकल चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं समर सिंह के नए गाने की, जिसने एक दिन में ही 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिए। जी हां, सही सुना आपने, पवन सिंह का रिकॉर्ड भी समर सिंह ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि एक्टर सिंगर समर सिंह ने साउन स्पेशल का एक गाना हाल ही में रिलीज किया था, जिसने पवन सिंह के गाने का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। समर सिंह के गाने का टाइटल है सैया बेच द थ्रेसर, जिसे एक दिन में 4 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिले और इस गाने पर अब भी व्यूज लगातार बढ़ रहे हैं। इस गाने को आप जुपिटर एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुपरस्टार पवन सिंह के गाने को एक दिन में 3.5 मिलियन व्यूज मिले थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। हालांकि इस कामयाबी के बाद समर सिंह बेहद खुश हैं और दर्शकों का आभार जता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से कोई इतिहास बन जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम आपका भाई, आपका बेटा समर सिंह, और बड़ा खुश बानी आप लोगों के इतना ज्यादा प्यार आशीर्वाद मिलता कि हम लोग पूरा टीम हमारे गदगद बा। आज एक गाना हमारे एक दिन में 3.7 मिलियन हुआ बोलबम के गाना। तो आज पहली बार भक्ति सॉन्ग के इतना ज्यादा इतना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलल, तो दिल से धन्यवाद आप सब लोगों के और हमार टीम, जैसे कि गीतकार आलोक भैया, मनोज भैया, मिक्सिंग एडीआर जी ने किया है और मानस स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ है, जिसके वीडियो निर्देशक सुनील बाबा, पंकज सोनी, संदीप राज उर्फ राज, तो पूरी टीम ने मिलकर मेहनत किया और आशीर्वाद मिला मार्स इंटरटेनमेंट का। तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया जो इस मेहनत से ये संभव हुआ, तो दिल से धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों को। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद अपन समर सिंह को बने ले रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। गौरतलब है कि ब्लॉकबस्टर गाना सैया बेच द थ्रेसर के म्यूजिक वीडियो में खुद समर सिंह नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथ काजल राय हैं। आपको ये गाना कैसा लगा, अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। बिंदास भोजपुरिया के लिए आनंद कमलेश की रिपोर्ट।